पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, अब संजय सिंह जेल की सलाखों में पहुंचे। शराब घोटाले में 15 से ज्यादा गिरफ्तारी। आप सरकार की आबकारी नीति उसके लिए ही गले का फांस बनती जा रही है। पहले केजरीवाल के सबसे करीबी साथी और दिल्ली के तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और अब आप सांसद और केजरीवाल के दूसरे सबसे खास साथी संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। मनीष सिसोदिया पूर्व डिप्टी सीएम दिल्ली घोटाले के मुख्य आरोपी 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तारी हुई। संजय सिंह सांसद आप, चार्जशीट में इनका भी नाम है। 4 अक्टूबर 2023 को इनकी गिरफ्तारी। ये तो हुए वो दो खास नाम और खास चेहरे जो आपकी पहचान है, जो अब शराब घोटाले में जेल के सलाखों में पहुंच चुके हैं। लेकिन इस घोटाले की गाज 15 से ज्यादा लोगों पर गिर चुकी है। दिल्ली शराब नीति अनियमितता मामले की जांच कर रही दोनों एजेंसियां सीबीआई और ईडी अब तक 15 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। देखिए गिरफ्तारी वाली इस लिस्ट में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के अलावा किसका किसका नाम है। विजय नायर साउथ ग्रुप का सदस्य, समीर महेंद्र इंडो स्प्रिट के मालिक, अमित अरोड़ा बड्डी रिटेल के मालिक, पी शरत चंद्र रेड्डी अरविंदो ग्रुप के प्रमोटर, बिनॉय बाबू रिकॉर्ड इंडिया का पूर्व क्षेत्रीय प्रमुख, अभिषेक बेनपल्ली साउथ ग्रुप का सदस्य, बूची बाबू गोरांटला के कविता का पूर्व सीए, गौतम मल्होत्रा अकाली दल के पूर्व एमएलए का बेटा, राजेश जोशी डायरेक्टर चैरियट प्रोडक्शन, राघव मांगुटा साउथ ग्रुप का सदस्य। ईडी दिल्ली सरकार की नई शराब नीति को बनाने और लागू करने में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है। तो जान लीजिए क्या है शराब नीति घोटाला। दरअसल कोरोना काल के बीच दिल्ली सरकार ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 लागू की थी। इस शराब नीति के लागू होने में कथित अनियमितता की शिकायतें आई, जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 सवालों के घेरे में आ गई। हालांकि नई शराब नीति को बाद में इसे बनाने और इसके कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों के बीच रद्द कर दिया गया।